इनफैक्ट अब अंचल भी मौजूद है और आप सब लोगों ने नोटिस किया कि हम लोगों के अटायर से बिल्कुल डिफरेंट तरीके से अंचल यहाँ पर आए हैं, यानी विदेशी लुक में, तो यानी किसी विदेशी निवेशक की बात कर रहे हैं। अंचल, वॉरेन बफेट की बात करने वाले हैं आप? बिल्कुल दीपाली, वॉरेन बफे की बात करने वाला हूँ। आप सब ने घरेलू बड़े निवेशकों के निवेश मंत्र बताए, मैं वॉरेन बफे का निवेश मंत्र बताने वाला हूँ। इसीलिए आप सूट बूट में, बिल्कुल उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उन्हें आइडल मानता हूँ अपना। उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कहीं ना कहीं दीपाली कारण है, बाकियों ने अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनाई है उसका सोर्स वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज रही है। देखिए, एक बेहतरीन निवेशक रहे हैं वॉरेन बफे। उनकी स्ट्रेटजी बताएं तो पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला निवेश किया था। अपने फादर की कंपनी में 3 शेयर खरीदे थे और उनका शौक था, जो उनकी वीकली पॉकेट मनी होती थी उसको बचा बचा कर साल डेढ़ साल के बाद वो जाकर अपने फादर की कंपनी के शेयर्स खरीदते थे। अपने फादर से शेयर, सीधे शेयर खरीद नहीं पाते थे, अपने फादर को पैसा देते थे, वो कहते थे मेरे नाम पे 3 शेयर रखिएगा। तो एक बेहतरीन निवेशक रहे हैं और अगर आप इनकी नेटवर्थ अभी देखें तो करीब करीब 6,600 करोड़ डॉलर के आसपास की नेटवर्थ है। इनकी टोटल नेटवर्थ दीपाली इतनी बड़ी है कि अगर आप घाना और कंबोडिया की जीडीपी को कंबाइन करके देखें तो दोनों देशों की कंबाइंड जीडीपी से ज़्यादा वॉरेन बफे की अकेले की नेटवर्थ है। लेकिन इन्होंने जो पूरा पैसा बनाया बाजार के थ्रू बनाया, इन्होंने बीते 36 सालों में पूरा पैसा बनाया, यानी जब ये 50 साल इन्होंने अपना 50वां जन्मदिन मनाया उसके बाद से बनाया। और कारण था सिंपल स्ट्रैटेजी। उनका मानना था बाज़ार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हाई फंडा फॉर्मुलिस की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। पहली चीज़ वो मानते थे कि हमेशा शेयर खरीदें, वो शेयर खरीदें जो सस्ता है, जो वैल्यूएशन में सस्ता हो। वो शेयर कभी मत खरीदें जिसमें चाल आ चुकी है, जो ऑलरेडी तेज़ी में। हमेशा इंतज़ार करिए शेयर के गिरने का, उसे करेक्ट होने का, उसके सस्ते होने का, और तब निवेश करिए। दूसरी चीज़ वो मानते थे कि जब भी आप निवेश करें जो उस पर मुनाफा कमाएं, कभी भी वो मुनाफा घर मत ले जाइए, उसी मुनाफे को वापस से बाजार में डालिए। नए निवेश के नाम पर जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उसे इन्वेस्ट कीजिए, उससे आपका पैसा क्वाड्रुपल होता हुआ दिखेगा लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती हुई दिखेगी, तो वो आपके नेट पोर्टफोलियो को जो इम्प्रूव करता हुआ दिखेगा। साथ ही उनका मानना था इन्वेस्टमेंट हमेशा नई स्ट्रैटेजी में होना चाहिए, जो स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बाजार प्ले कर चुका है। जैसे आईटी बूम आपको याद होगा जब आया था, उस टाइम वॉरेन बफे बहुत हेविली इन्वेस्टेड थे आईबीएम में, उन्होंने बहुत हेविली इन्वेस्ट किया हुआ था सन माइक्रोसिस्टम्स में। सन माइक्रोसिस्टम्स अब डीलिस्ट हो चुकी है, अब गूगल के साथ मर्ज हो चुकी है, लेकिन बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट था आईटी में। उनका मानना था जब भी आप बाजार में बड़ा निवेश करें एक नए एवेन्यू की तलाश करिए, एक नए सेक्टर को ढूंढिए, एक नई स्टोरी ढूंढिए, क्योंकि जब तक किसी एक सेक्टर के लिए आप एक नई स्टोरी नहीं ढूंढेंगे आप फर्स्ट रन जो गेंस होते हैं फर्स्ट गेंस वो कभी कमा नहीं पाएंगे। साथ ही उनका मानना था कभी भी जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर आपने एक शेयर अपने लिए चुन लिया है, आपका मानना है इस शेयर की वैल्यूएशन अच्छी और यहाँ से एक अच्छा अपसाइड है, आप धीरे धीरे करके उस शेयर को खरीदें, हर लेवल्स पे उसमें निवेश करिए। गिरावट आती है तो घबराइए मत, आपको अपने निवेश में भरोसा होना चाहिए। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, आपने जो रिसर्च की है, आपने जांच पड़ताल की है, उस पर भरोसा रखिए। कभी भी डर कर भागिए मत अपने निवेश से। नेट नेट अगर आप देखें, वॉरेन बफे का मानना था इस बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में सिर्फ वही इंसान पैसा कमा सकता है जो पेशेंट हो, जिसके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो। और इसीलिए वो जब भी अपने इन्वेस्टर्स को स्पीच देते हैं या फिर अपने इन्वेस्टर्स को टिप्स देते हैं, उनकी सबसे जो स्पीच होती है हमेशा इस चीज़ से शुरू होती है, बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन। अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है आप बाजार से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। और साथ ही साथ निवेश अगर आपने कर लिया, जैसा कि अभी मोतीलाल ओसवाल के केस में, रामदेव अग्रवाल के केस में बता रही थी दीपाली आप, बाय राइट एंड सिट टाइट, उनका मानना है एक बार आपने निवेश कर लिया तो आराम से बैठ जाइए, अपने निवेश को बढ़ने दीजिए। जल्दबाजी में ये मत सोचिए कि वो शेयर गिर रहा है या वो सेक्टर गिर रहा है तो मैं उसमें से मुनाफा ले लूँ, रुकिए, आराम से अपने निवेश को बढ़ने दीजिए, समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का। लेकिन ये बात हुई दीपाली सिर्फ और सिर्फ वॉरेन बफे की। भारत में उनकी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं है, बहुत सारे फंड्स के थ्रू वो इंडिया एंड ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे FIIs भी हैं जो लगातार इन्वेस्ट करते आए हैं इंडियन स्टोरी पे, इंडियन कंजम्पशन स्टोरी पे हमेशा प्ले किया, और उनका मानना है यहाँ से बाजार में कितनी भी दे दिया जाए लेकिन अपसाइड और बाकी है। रजत, मैं सही कह रहा हूँ, आपके पास कुछ ऐसे ही FIIs का नाम है जो लगातार भारतीय बाजारों में निवेश करते रहे? बिल्कुल, सूची में 10 ऐसे FIIs हैं जिन्होंने इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे दाव लगाया है और उनके पोर्टफोलियो में जबरदस्त सजावट देखने को मिला है। देखिए FIIs, क्योंकि ये बाजार चल क्यों रहा है, वो इसलिए क्योंकि FIIs का पैसा इंडियन मार्केट्स में आ रहा है, लिक्विडिटी इंटैक्ट है, और जब तक ऐसी लिक्विडिटी रहेगी तो बाजार नए लेवल्स छूता चला जाएगा। FIIs की एक ही स्ट्रैटेजी होती है, जिस बाजार में उनको वैल्यू कम लगती है यानी कि अंडर वैल्यूड बाजार होते हैं वहां पर वो पैसा लगाते हैं, और जहां पर वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो जाती है तो किसी भी भाव पर बेच कर निकलते हैं। अभी भारतीय बाजार की वैल्यू उनको ठीक लग रही है तो पैसा आ रहा है इंडियन मार्केट्स पे। अब कुछ FIIs की सूची में बताऊं तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, 33 शेयर्स का पोर्टफोलियो है जिसमें डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, ल्यूपिन, इंफोसिस, HDFC, HDFC बैंक शामिल हैं।
ओपनहाइमर होल्डिंग्स एक जर्मनी का फंड है जिसमें कुल मिलाकर 14 स्टॉक्स हैं, जिसमें प्रोमिनेंटली जी एंटरटेनमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, टीसीएस, इंफोसिस, डॉक्टर रेड्डीज जैसे जो शेयर्स है वो उनके पोर्टफोलियो में शामिल है। अपोलो हॉस्पिटल्स पे इन्होंने निवेश किया, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स भी पोर्टफोलियो में शामिल है। यूरोजोन का फंड है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, जिसमें 16 शेयर्स शामिल हैं, जिसमें जो टॉप होल्डिंग है वो ये देखिए आप, आईसीसी बैंक और अंबुजा सीमेंट, यानी कि फाइनेंशियल्स और सीमेंट पे भरोसा कायम है। दुबई का अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये फंड जो है इसमें 21 फंड स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, लेकिन जो प्रोमिनेंटली खरीदारी की है वो ऑटो, फार्मा और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में की है। इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स डीवीआर, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स टॉप लिस्ट में, अशोक लेलैंड, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स में अच्छी कमाई हुई। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ये यूएस का फंड है जिसमें 77 स्टॉक्स हैं, और टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स पे प्रोमिनेंटली खरीदारी की। हीरो मोटोकॉर्प, हैवेल्स भी पोर्टफोलियो में शामिल है। फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट यूके का फंड जिसमें 23 स्टॉक शामिल है, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक और डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में प्रोमिनेंट है। अबरदीन ये यूके का फंड है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है इनकी, 21 पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं। एचडीएफसी, आईसीसी बैंक, आईटीसी और इन्फोसिस सबसे ज्यादा इन्होंने जिसमें निवेश किया है। डॉज एंड कॉक्स इंटरनेशनल स्टॉक फंड जो है ये कैनेडियन बेस्ड फंड है जिसमें आईसीसी बैंक, एमएनएम और भारतीय एयरटेल, इस फंड ने हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग भी की है इंडियन मार्केट्स में, अब दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनी रिवाइज कर रहे हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट जिसमें 29 शेयर्स का पोर्टफोलियो, वेदांता, दीवान हाउसिंग, ओएनजीसी और बजाज होल्डिंग्स जैसे स्टॉक्स हैं वो प्रोमिनेंटली खरीदे, और बायोकॉन, टाटा केमिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट है। और वॉनगार्ड ये यूरोजोन जर्मनी बेस्ड फंड है जिसमें एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मा, आईटीसी, एचयूएल, तो आप ये देख सकते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजत, वैसे भी इंटरनेशनल मार्केट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को काफी क्लोजली ट्रैक करते भी है, हर रोज सुबह इंटरनेशनल मार्केट का हाल भी यही बताते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है पूरी रिसर्च के साथ दी है। लेकिन रजत ये बताइए, गणेश चतुर्थी का मौका है, आपने भी विघ्नहर्ता से कोई विश मांगी आज या नहीं? वैसे सब कुछ पप्पा का दिया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो ज्ञान के देवता माने जाते हैं और साथ ही साथ विघ्नहर्ता है। वो तो पहली चीज नहीं, वो पहली चीज मांगी है। चलिए विश हम भी यही करते हैं कि रजत की दुआ भी पूरी हो और जो विश उन्होंने मांगी है वो फुलफिल हो, इस साल शादी हो उनकी। और सभी व्यूअर्स को भी एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि इस बाजार में इस मौके पर आप निवेश कर श्री गणेश करें और ढेर सारा मुनाफा कमाएं। फिलहाल इस खास शो में इतना ही, नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया।